बच्चों आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, वो है क्या, देखो बहुत बच्चों को डाउट होता है कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स को सर कैसे पहचाने, तो आज के प्रैक्टिकल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों देखो क्या है, ये चेयर है, मैं इसको अभी ऐसे आराम से मूव करवा दे रहा हूँ, ठीक है, आराम से मूव किया हो पा रहा है, ठीक है। अब देखो जब मैं इस पर बैठ जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखो मूव नहीं हो पा रहा, जबकि मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी ये मूव नहीं हो रहा है। तो क्या था दोनों केस में, फर्स्ट केस में ये आराम से मूव क्यों हो रहा है, ये वाले केस में मैं इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस पे बैठ जाता हूँ तो मैं मेरा फोर्स इसके लिए क्या बन जाता है, इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स बॉडी को मूव नहीं कर पाती है। अगर बच्चे इंटरनल फोर्स बॉडी को मूव कर पाती तो मैं अपने पीठ पे फोर्स लगाता और अपने आप में चल देता, स्कूटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बात में क्लियर हो गया होगा, तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।